मैंने डेट देनी है आपको फरवरी में और 21 फरवरी को मेरी बर्थडे है। ये हमने ऑर्डर करी थी तो ये हमारी चाय आ गई है कश्मीरी। वादा कहीं और का किया था, कहीं और लाई है। ये सब प्राइस चेंज कर देती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से। मैं खैरियत से आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जी बेगम साहिबा ने भी तैयारी कर ली है। बेगम साहिबा जी, क्या नोट खोल के दिखा रही हैं ये? तो ज्यादा पैसे आ गए। और ये देखें, ये मदीने के हैं, इसमें पैसे रखे हुए हैं बेगम साहिबा ने। अच्छा जी, इंशाल्लाह अपने सारे सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने तमाम प्यार करने वाले बहन भाइयों के लिए ये लेकर आना है। हाँ, ये और फिर हम ना इंशाल्लाह सबसे मिलेंगे भी, आबे जमजम खजूर भी लेंगे और साथ में ये तोहफा। और आप सबकी दुआओं से बहुत जल्द हम समाई रवानगी, आप सब दुआ करिएगा हमारे लिए बस जल्दी से, अल्लाह ताला कर दे। आई लव मदीना, आई लव मक्का। चले जी चलते हैं फिर, आपसे मिलते हैं। और वैसे बिना आज बेगम साहिबा का मूड हुआ है बाहर खाने का। चले फिर जल्द दिखाएंगे आपको बाहर कहाँ लेके जा रहा हूँ मैं, चलते हैं फिर दिखाते हैं। साहिबा को लाए हैं हम कहाँ पर? गुलशन इकबाल नहीं पहुंचे, वो हसन स्क्वायर के सामने। ये देखें, ये है फूड ब्रेक। तो जी यहाँ के खाने बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ आए तो चलते हैं और क्या ऑर्डर करेंगे ये भी आपसे शेयर करेंगे। चले जी चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे हम लोग। अच्छा जी, हम आ गए हैं फूड ब्रेक पे और आपसे मैं का मेन्यू शेयर करूँगा कुछ, और कुछ इस तरह का मेन्यू है देखें। और जो जो आया होगा ना यहाँ पर वो तो पता होगा कि फूड ब्रेक कहाँ है। ये है गुलशन इकबाल की ब्रांच में, और नीचे देखें एड्रेस भी मेंशन लिखा हुआ है, उनका लिखा हुआ है मेंशन, लिखा से नहीं मेंशन यहाँ लिखा हुआ है। तो ये एड्रेस होगा आई थिंक, जैसे यहाँ एड्रेस होगा फिर। चले जब हमें मिल जाएगा एड्रेस तो हम आपको गाइड कर देंगे। और आज का जो ये डिनर है वो माशाल्लाह से इतना स्पेशल गया है, हमारी प्यारी सी अम्मी है और इस वक्त वो देख रही हैं कि क्या चीज़। हाय फातिमा वातमा ने नहीं, हमारी अम्मी ने पर्स लेके भागने की हमें धमकी दे रही जब से हमें। वैसे इसने ना हमें कहीं और डिनर कराना था, वादा कहीं और का किया था, कहीं और लाई है। ये सब प्राइस चेंज कर देती है, कभी भरोसा नहीं होता है। लोग जो से थे ना अभी तक दिए थे अच्छा ये बात थी, अच्छा ये बात थी। और टीम में भी ये खुद ही शामिल थी, टीम में भी ये शामिल थी, खुशी में शामिल ये लोग। तो जी फिर हम फातिमा पी के साथ ही ना, एक और ये शामिल थी, दूसरा शामिल थी, फिर हमने डिसाइड किया कि भाई नहीं, सुमेरा ने थोड़ा सा साथ दिया था मगर वो थोड़ी सी चुप हो गई थी, मगर भिदकने वाली दो ही बचियां थी, ये दो नहीं। फिर ये भी आप लोगों को पता है कि घर के जो छोटे होते हैं ना, ये भिदके हुए ही होते हैं, इनको संभालते रहो बस, बड़ों का काम भी इनको संभालना ही होता है। भाई मैं बीफ बर्गर खाऊंगा, मैं बीफ बर्गर। फातिमा बीफ बर्गर खाना, भाई आपने लोगों ने क्या खाना है अपना डिसाइड करिए, हम लोग डिसाइड करते हैं फिर आपसे मिलेंगे। ऑर्डर किया हुआ ये आई थिंक चिकन कढ़ाई है, और ये क्या है सिंगापुरी राइस प्लेटर है। ये अच्छा जी, खोले खोले। अच्छा जी वाओ, ये प्लेटर है। अच्छा जी भाई, ये और साथ ये सिंगापुरी राइस है, और ये प्लेटर मंगाया हुआ है जी, और कढ़ाई भी है साथ में। ये देखें ओपन कर दिए। तो जी आज का डिनर नान, हाँ जी नान की दिखाएं आपको, क्रॉस कर दे क्रॉस कर दे। ये अच्छा जी खाना आ चुका है और मैं निकाल रहा हूँ। खाने में ऑर्डर किया है मज़ेदार सी कढ़ाई, साथ में है प्लेटर और सिंगापुरी राइस, और साथ में है गार्लिक नान। तो प्यारी यूट्यूब फैमिली आप सब भी आ जाएं और हमारे साथ मज़ेदार सा खाना एंजॉय करें। चलो खाना
देखो हमने छोड़ा नहीं है, हमने बिल्कुल इस्लामी तरीके से जो है ना ज़बरदस्ती खिलाया गया है। उन्होंने कहा खाना नहीं छोड़ना, ये सिर्फ एक बोटी छोड़ी है। हाँ कहाँ है वो, ख़त्म हो गया बोटी है। आमीन आमीन आमीन। हाँ भाई ये सारी बात, लेकिन मेरा गिफ्ट ना भी रहता है 21 फरवरी का रहता है, वो मैंने डेट देनी है आपको फरवरी में, और 21 फरवरी को मेरी बर्थडे है। हाँ नहीं, अम्मा की दुआएं चाहिए। बेशक वो गिफ्ट है हमारे लिए, दुआएं। हाँ इंशाल्लाह ताला, ये तो हमारे कहते गिफ्ट का मतलब दुआएं ही होती हैं हमारी। टी वगैरह तो फूड ब्रेक पे, और अभी हमने खाना खाया है पिज़्ज़ा फूड ब्रेक। क्यों ये रम अच्छा जी, खाना खा के आ गए थे फैमिली से, कहा कि हम पियेंगे चाय। और अब हम घर जा रहे थे और रास्ते में हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा होटल नजर आया, उसका नाम है न्यू पॉइंट चमन होटल। और अब हम यहाँ पर पीने मतदार की जगह चाय, जिसमें से आधी फैमिली ने अपनी डिमांड बताई है कि कश्मीरी चाय, और हम लोगों ने पीनी है दूध पत्ती। देखते हैं यहाँ की चाय का टेस्ट कैसा है, और आपके साथ भी शेयर करते हैं। ये हमने ऑर्डर करी थी तो ये हमारी चाय आ गई है कश्मीरी, ये एक मेरी है और एक जो है ना भाई फैमिली में दोनों मंगाई है। अच्छा जी, ये आ गई हमारी सादी चाय। अच्छा जी, चाय दो, कैसी है चाय? बहुत ज़बरदस्त बनी है। अच्छा, मैंने जैसे मरी में भी चाय पी थी वहाँ पर, और अभी एक दफ़ा न्यू ईयर के टाइम पे वहाँ मैंने कश्मीरी चाय पी, और अब महीना होने वाला है यहाँ के चाय ट्राई करी है, बहुत ज़बरदस्त बनाई भी है। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि भाई सर्दियों में तो आना, आप लोग कश्मीरी चाय लाजमी पिया करें, जिन्हें पसंद है वो पिए, और जिन्हें ना पसंद आई थी फिर अपनी सादी चाय पी के गुजारा करें। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, और ये दिन तो हम कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हुआ कुछ इस तरह के पहले आंटी हमारे घर पर आई, और मैं इस वक्त सुपारी खा रही हूँ तो आप लोग सोचें पता नहीं मुंह में क्या है। मैं बहरहाल जी, पहले वो हमारे घर पर आई और हमने उनके साथ बहुत इंजॉय किया, हमने खाना वगैरह सब खाया। जब वो जाने लगी तो फिर ये हुआ कि चलो साथ चलते हैं, तो हम उनके साथ चले गए। जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ अचानक से हमारा बाहर जाने का प्रोग्राम बन गया, और फिर हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया और साथ में डिनर किया, उसके बाद चाय वगैरह पी, और अपनी हर खुशी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि आप सब इतना प्यार करते हैं, इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देते हैं, अपनी ज़िंदगी की हर छोटी मोटी खुशी गम और यहाँ तक के हर चीज़ की अपडेट आप लोगों से आप लोगों को देते रहते हैं। तो इंशाल्लाह इसी के साथ दें हमें इजाज़त, मिलेंगे कल के धमाकेदार से ब्लॉग में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।